तो इस वक्त की बड़ी अपडेट की ओर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह को दी बीएसपी की टिकट। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि हरिया विधानसभा सीट से अपना टिकट का प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है और बीएसपी ने पहली बार आपको बता दें कि कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे राजकिशोर सिंह को आपको बता दें कि अपना प्रत्याशी है वो बनाया। राजकिशोर सिंह पार्टी में कई दिनों से जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों से आपको बता दें कि लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, हरिया से पहले विधायक बने भी जा चुके हैं और मंत्री भी आपको बता दें कि रह चुके हैं और उन्हें एक बार फिर से पार्टी की कमान है वो सौंपी गई है और प्रत्याशी बनाया गया है। दबंग नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है। बस्ती के बीएसपी कार्यालय में कल आपको बता दें कि देर शाम इसका ऐलान हुआ था। हालांकि पहले से ही तय लग रहा था कि राजकिशोर सिंह को टिकट दी जाएगी, लेकिन आधिकारिक घोषणा का सभी को इंतजार था और आज आपको बता दें कि आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के करीबी नेताओं में भी नाम गिना जाता है और अररिया से उन्हें बीएसपी की टिकट है वो दी गई है। बस्ती के बीएसपी कार्यालय में कल एक कार्यक्रम हुआ था और उसी दौरान आपको बता दें कि ऐलान किया गया। राजकिशोर सिंह ने पार्टी का आभार जताया है।